दस एकदम जबरदस्त मलयालम मूवीज के नाम बताऊंगा, मैंने देखी, मेरे होश उड़ चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है, हिम्मत देखोगे। नंबर वन इराटा, नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने मिल जाएगी। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस वाले का ही मर्डर हो जाता है। किसने किया, कोई गुंडा चोर आया था या दूसरे पुलिस वाले ने? इसका इन्वेस्टिगेशन उसी का भाई कर रहा है और धीरे धीरे करके अपने को जैसे पास्ट की चीजें पता चलेंगी, दोनों का क्या रिलेशन था, फैमिली का क्या रिलेशन था और जो कांड हुआ था, ओ माय गॉड। ऐसी मूवी जिसके एंड में तुम अपना सर मुंह आंख कान सब पकड़ लोगे कि क्या हुआ। हिंदी छोड़ के बाकी सारे लैंग्वेजेस देखने मिल जाएंगे, लेकिन डिस्करेज मत होना, प्लीज गिव इट अ ट्राई। नंबर टू हॉटस्टार की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हिंदी डब देखने मिल जाएगा, जया 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 है, सॉरी पिक्चर के नाम में एक एक्स्ट्रा लगा दिया, चार बार जया। मूवी की मेन कैरेक्टर एक महिला है, उनका नाम भी जया है। महिलाओं को अपने ही घरों में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि उनके ओपिनियंस नहीं ली जाती, उनकी इच्छाएं नहीं जानी जाती, डिसीजन थोप देना और तुम सहो करो, बचपन से ऐसा होते आ रहा है। जया के साथ शादी करवा देते हैं, शादी करने के बाद जब नए घर में जाती है तो वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस, पति पहले तो ठीक ठीक लगता है लेकिन एक बार जब उसका हाथ खुल गया तो हाथ खुल गया, देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन पिक्चर जब एकदम डाउन मोमेंट पे होती है तब एक पंच, साइक, यही जया जो है सीक्रेटली कराटे कुंफू सीख रही होती है और एक ही बार में पति को जो मारती है, सब लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे जितने भी घर में देख रहे हैं, जिसके बाद पूरे टेबल्स जो टर्न होते हैं, इतने मजेदार सीन्स, मतलब सोचो पति अपनी पत्नी की आंख में काजल लगा रहा है और इतना इंटेंस हो सकता है, टू गुड। ऊपर से जो एक्शन दिखाएंगे वो प्रॉपर एक्शन मूवीज को भी शर्मिंदा कर देती हैं। नंबर थ्री बहुत पॉपुलर मूवी है, इंटरनेट के ऊपर इतने क्लिप्स वायरल हुए थे लेकिन फिर भी मैंने देखी, मुझे पसंद है तो लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ, आवेशम। हॉटस्टार पे है हिंदी डब के साथ, लेकिन रिकमेंडेड होगा कि मलयालम में देखना क्योंकि फहाद फाजिल, मैंने जब आसपास के लोगों से बात किया तो पता चलता है कि उनको उतना मजा नहीं आया जितना मुझे लगा था। इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि तुम कौन से लैंग्वेज में देख रहे हो, नो किडिंग, फॉर रियल। तीन लौंडे पढ़ाई करने के लिए अलग अलग शहर से आते हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, एक दिन कॉलेज के ही गुंडे लोगों से झगड़ा हो जाता है, इनको कूट देते हैं, तो अब क्योंकि बात आत्मसम्मान रिस्पेक्ट की आ चुकी है तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम उस गुंडे से भी ऊपर वाले गुंडे से हाथ मिलाएंगे, जब ऐसा कोई इंसान अपना दोस्त बन जाएगा तो वो इसको आके कूटेगा। दारू के डिब्बे फ्रीक्वेंटली विजिट देते देते मुलाकात हो जाती है रंगा से और रंगा पड़ेगा बहुत महंगा। बैड शिट क्रेजीनेस के लिए देखना कि एक कैरेक्टर पिक्चर में कितनी जान भर सकता है। नंबर फोर नेटफ्लिक्स के ऊपर तल्लू मला देखने मिल जाएगी, इसका भी हिंदी डब अवेलेबल नहीं है, मैंने जब उनके लिए ये वीडियो बनाया था उसके अंदर मेंशन किया है। इसको भी मोस्टली क्यों देखना है, क्रिएटिविटी के लिए, सिचुएशंस को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, म्यूजिक और एकदम हटके डिफरेंट कैमरा शॉट्स के लिए, जितनी अजीबोगरीब चीजें इसकी कहानी में लिखी है उतना ही इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले। एक लौंडे के व्हाइट शूज के ऊपर कोई दूसरा लड़का पांव रख देता है गंदा, दोनों के बीच में मारा मारी क्योंकि जान दे देने वाली बात है। पब्लिक जब इन दोनों के झगड़े को छुड़ाती है तो देखते हैं कि एक दूसरे को मार लगी हुई है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे कैसे, लड़का नंबर टू जो है उसके पास बाइक है तो इसलिए लड़का नंबर वन उसके पीछे बैठ के चला जाता है जिससे अभी मुक्का मारी कर रहा था। रास्ते में जाते जाते लड़के नंबर टू का घर आ जाता है, उसकी मम्मी देख लेती है, रुका के बुला लेती है, दोनों अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं, आधे घंटे पहले अभी मुंह तोड़ रहे थे, और ऐसे ही करके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। नंबर फाइव प्राइम वीडियो की तरफ चलेंगे और ये मूवी का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना है क्योंकि अजय सर ने रीमेक बना के मौके पे चौका मारा था, दृश्यम 2। अगर तुम लोगों ने हिंदी रीमेक देखा हुआ है तो मलयालम चेक कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। और यार ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। नंबर 6 पे जो मूवी है उसको मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियोस में रेकमेंड किया हुआ है, सोनी लिव के ऊपर अवेलेबल है हिंदी डब के साथ, ब्रह्मयुगम। बहुत ही ज्यादा हॉरर नहीं है लेकिन इसकी सेटिंग और सिचुएशन देखकर थोड़ा बहुत धक-धक होगा। पूरी की पूरी पिक्चर मोस्टली एक घर के अंदर टेक प्लेस कर रही है जहां पे सुपरनैचुरल चीजें हो रही है, ब्लैक एंड व्हाइट 17th सेंचुरी की हम लोग स्टोरी देख रहे हैं। एक आदमी जिसने रात को ही कुछ हॉरर एक्सपीरियंस किया हुआ है ऐसे सुनसान घर में पहुंच जाता है जहां पर सिर्फ दो लोग रहते हैं, आसपास पूरा घना जंगल और एक भी। इससे ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, पिक्चर में जाके देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है तो। नंबर 7 इस साल की वन ऑफ दी बेस्ट मूवीज में से आती है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल है हिंदी डब के साथ, मैनजुमल बॉयज। वैसे तो नाम में बॉयज है लेकिन 18-19 साल के लौंडे लपाड़े नहीं है, ग्रोन एस मैन साथ में मिलकर घूमने के लिए जाते हैं, एक दोस्त खाई में गिर जाता है, ऐसी जगह जहां से आज तक बच के कोई नहीं आया, सारे लोग जो मदद कर सकते हैं वो यही बोलते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन ये लौंडे इतने करीबी दोस्त की हार नहीं मानेंगे। पूरी की पूरी पिक्चर एक रेस्क्यू थ्रिलर है जहां पे वो लोग कुछ करते हैं तो नहीं प्रॉब्लम, फिर कुछ करते हैं तो नई प्रॉब्लम, लेकिन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट वापस हॉटस्टार पे ही हम लोग रुकेंगे लेकिन इसका कोई डब नहीं है। नंबर 8 पे है एकदम रिसेंटली देखी मैंने प्रेमम, काफी कल्ट स्टेटस मिला ऐसा मैंने सुना, एक दोस्त रेकमेंड करता है क्योंकि उसको उसकी एक
दोस्त ने रेकमेंड किया था। I'm like, ooh, साले कौन है बता। मूवीज जो एक ख्याली पुलाव अपने को बना के आज तक खिलाती आई है कि जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है, उसको ब्रेक करते हुए अपने मेन कैरेक्टर के लाइफ की तीन डिफरेंट फेजेस हम लोग देखते हैं, जब वो टीनेजर है स्कूल में, फिर कॉलेज में, और बड़ा होने के बाद खुद का बिजनेस चला रहा है। हर एक टाइम फ्रेम पे उसको लव होता है, दिल टूटता है, फिर लव होता है, इसके आगे नहीं बताऊंगा। लेकिन इनका जो एटीट्यूड, जो राउडी, जो स्वैग दिखाया स्पेशली कॉलेज के टाइम पे, डांस स्टेज के नीचे बम उड़ा के फोड़ना, दिल जले हुए लौंडे तो और ज्यादा रिलेट मार जाएंगे कि भाई तू ही है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन एक सीन जिसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि मॉनसून का टाइम है, बारिश वाला माहौल हुआ है, मेन हीरो अपनी टू व्हीलर पे जा रहा है घाट सेक्शन में, येलो कलर की जैकेट पहने हुए, और मूवी का मेन थीम बज रहा है। इट वाज सो सैड टू वॉच। एंड यू नो, भले ही तुम कितने भी सच्चे मन से किसी को प्यार करो, शिट हैपेंस, लाइफ जस्ट गोज ऑन एंड यू Have to move on. I just wish इसका subtitle work थोड़ा better होता, क्योंकि कई scenes में समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन कहाँ क्या बोल रहा है। फिर भी कुछ universal चीजें हैं इसके अंदर जिसके लिए language dialogue subtitle की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जैसे कि साई पल्लवी का डांस। मेरा भी मन किया कि एक दो ऐसा मार दूं, लेकिन औकात वो कभी नहीं भूलनी चाहिए। नंबर 9 एक मूवी नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्री है, रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था, सोच के ही दिमाग का हो जाता है। करियन साइनाइड नाम है, केरला के अंदर एक ही फैमिली में 6 डेथ्स हुई थी, जिसके लिए सस्पेक्ट एक ही महिला है, उसी परिवार की हिस्सा। क्यों किया, कब किया और कैसे किया, ब्रदर देखकर आत्मा कांप जाती है। तो इसलिए अगर तुम इसको देखने का प्लान बना रहे हो, वॉच एट योर ओन रिस्क, हिंदी डब है नेटफ्लिक्स। एंड फाइनली वापस हॉटस्टार की तरफ चलते हैं, ऐसी मूवी जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, फिर उसके डायरेक्टर ने उसको इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, थोड़ा सा फ्लेक्स, मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स। और तुमको अगर जानना है कि इंसान कितना हरामी हो सकता है, स्पेशली मेन कैरेक्टर, ये फिक्शनल है बाय द वे, उसको जो चाहिए पाने के लिए कुछ भी करेगा, लाइक कुछ भी करेगा, और तुम देखकर शॉक होते जाओगे कि भाई ये अपना हीरो है क्या। अबे रुक जा, यहाँ तो रुक जा, बच्चों का सवाल है। तुमने देख रखी है, तुम्हारी फेवरेट कौन सी है कमेंट से बताना, और अगर सजेशन देना होगा तो वो भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।